हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि अपने अपने घरों में पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। तो आज देखिए, आप मेरे रूम की हालत देखिए, मतलब हर तरफ ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े जो है वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ड्रेसेस निकाल के रखी थी मेरी और बच्चों की भी। तो देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ड्रेसेस निकली हुई हैं उन सब से। और देखिए, यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा बैग। तो मुझे जो है वो ये ड्रेसेस को ट्राई कर करके ना बैग के अंदर डालना था, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं, वो सब जानने के लिए तो आपको भी हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स में ही आपको ये सारी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मिलने वाले हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने अभी बैग में सिर्फ और सिर्फ डाले थे बच्चों के कपड़े, क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस हैं वो कुछ तो टेलर भैया कल ही दे करके गए थे, तो वो मुझे एक बार ट्राई करने थे। और कुछ मैंने निकाले थे जो मैंने बनवाए थे मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज पे और कुछ मेरी सिस्टर की मैरिज के टाइम पे। तो काफ़ी टाइम हो गया है उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है ना, कई बार आप थोड़े से क्या कह सकते हो, मतलब वेट गेन कर लेते हो, कई बार लूज़ कर लेते हो। तो मैंने कहा यार एक बार सारे जो ड्रेसेस हैं वो तो ट्राई करना बनता है, उसके बाद ही मैं अपने जो ड्रेसेस हैं वो पैक करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर वही सारी बातें करते करते अपनी जो कपड़े मैंने फैला रखे थे उनको यहाँ इकट्ठा कर रही हूँ, और कुछ धुले हुए कपड़े भी पड़े थे क्योंकि आज सुबह से घर को बनाया हुआ था मैंने धोबी घाट। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो है मशीन में से कपड़े ले जा रही हूँ निकाल के सुखाने के लिए, और ये दोनों को मैंने यहाँ बैठाया है कि ये एटलीस्ट अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ बैठ के। और ये जो रूम है इसकी जो क्या बोलूँ मैं, मतलब इसकी जो सफाइयाँ आपको दिख रही हैं ना, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो रूम है ये इन्हीं के लिए है। तो ये दोनों यहीं पर खेलते करते रहते हैं, तो सारा कुछ ये फैला के रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ये कपड़े जो है ड्राई हो चुके थे। तो मैं कपड़े वपड़े जो फोल्ड कर रही थी उनको अभी मैंने बीच में छोड़ के पहले यहाँ पर कपड़े सुखाना, मैंने सोचा कि यार ज़रूरी है इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप अभी थी, वरना फिर धूप चली जाएगी। तो बस ये कपड़े मैंने यहाँ पर सुखाए, उसके बाद फिर वापस से लग गई थी उसी काम में। मतलब कहीं जाना हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता। मेरे साथ तो ये होता है कि यार क्या लेकर जाऊँ क्या नहीं लेकर के जाऊँ। और इसी सब काम में देखिए, यहाँ पर टाइम हो गया था शाम की चाय का, तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने बना ली है मेरी शाम की चाय। तो भैया ले गए हैं मम्मी जी की जो चाय है वो मैंने पहले निकाल दी थी फीकी, उसके बाद में यहाँ पर मैंने मेरी और भैया की जो चाय है वो डाल ली है। तो बस अब थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और इन्जॉय करूँगी शाम की चाय को। जस्ट मैं फ्री हुई हूँ मेरी जो शाम की चाय है वो पी करके। सुबह से ना, मतलब आज तो हालत ख़राब थी, संडे मतलब ना लेडीज़ के लिए तो संडे बिल्कुल भी फंडे नहीं होता है, मतलब सुबह से बस काम काम। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को कहीं जाना भी है, तो उसकी वजह से ना जीत को उस टाइम पर जो है वो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो आज वैसे जीत का वीक ऑफ होता, बट उनको जो है वो अपना काम भी करना है, क्योंकि फिर आगे छुट्टियों की ज़रूरत है। तो जीत भी आज नहीं है घर पे, तो सारा ही काम जो है वो अकेले करना था। और बच्चों को भी एक दो दिन हो गए थे नहीं नहलाया था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल रहा था, बारिश वगैरह भी हुई थी, और उसी वजह से ना कपड़े भी नहीं धुल पा रहे थे, क्योंकि बारिश में अगर कपड़े धो दो धूप नहीं निकलती है तो फिर वैसे ही उनमें स्मेल आती है, तो वो चीज़ भी थी। फिर बच्चों को नहलाया, तो आज मतलब आज ना कपड़े भी इतने हो गए कि सुबह से लगी हुई हूँ, तो सुबह से उस सारे काम में लगी हुई थी, फिर जो कपड़े पैक करने थे उसमें भी वो भी काम एक हो गया, और जो डेली रूटीन वाला जो काम होता है वो तो होता ही है। तो बस अब भी थोड़ा सा रेस्ट किया है अपनी जो शाम की चाय है उसको इंजॉय करते हुए। तो बैठी हुई थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। मेनली मुझे आज जो है वो दो चीज़ें क्लियर करनी है आज के व्लॉग में। सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, और वो गलतफहमी होना लाजमी भी है, क्योंकि मेरे चैनल का जो नेम है युविका फैशन एंड व्लॉग्स, तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो नाम है वो युविका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और मेरा इंट्रोडक्शन जो व्लॉग वीडियो है आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा जाकर के, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है।
तो मेरे चैनल का जो नेम है वो मेरे नाम पर नहीं है। मेरा चैनल का जो नेम है वो मैंने बनाया है मेरी बेटी के नाम से, बिकॉज़ मुझे या आप कह लीजिए कि हम सभी को लगता है कि बेटियां जो हैं वो आपके लिए आप कह सकते हो कि देवी होती हैं। तो हमारे लिए तो हमारी बेटी लक्ष्मी का ही रूप है। तो मैं जब भी कुछ शुरू करती हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है स्पेशली, तो जब से मैं कुछ भी अगर नया शुरू करती हूँ तो उसका जो नाम है वो मैं मेरी बेटी के नाम से ही रखती हूँ। तो इसी वजह से जब मैंने मेरा चैनल बनाया या मेरा जो बिज़नेस है, जो ड्रेस मटेरियल का मेरा बिज़नेस मैं घर से करती हूँ, वो भी युविका फैशन पॉइंट के नेम से है, और जो चैनल का नेम है युविका फैशन एंड ब्लॉग्स वो भी मेरी बेटी के ही नाम से है। तो मेरा नेम है एकता, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन व्लॉग में भी और बाकी भी कई व्लॉग्स में बताया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको क्लियर कर देना चाहिए। बाकी सेकंड जो चीज़ है वो मुझे नहीं पता कि मतलब लोगों को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि मैं कभी भी किसी दूसरे यूट्यूबर के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि जो रिएक्शन वीडियो है ना वो मैं नहीं बनाती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी के लिए बनाना चाहिए, तो जब भी मैं कोई रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मतलब जब भी मैं किसी और के बारे में कोई वीडियो बनाती हूँ, तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो हो सकता है कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, तो अगर उन लोगों को कुछ भी बुरा लगता है या उन लोगों की कोई फीलिंग मेरी वजह से हर्ट होती है, तो उसके लिए मैं पहले ही उन सभी से माफ़ी मांग लेती हूँ। बट स्टिल उसके बाद भी अभी जैसे मैंने रिसेंटली दो तीन जो वीडियोस पोस्ट किए थे, मतलब लास्ट जो दो तीन वीडियोस पोस्ट किए थे मैंने सायरा सत्तानी जी एंड अयूब शेख के बारे में, तो हालांकि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि सायरा सत्तानी जी ने खुद मेरे जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है ना, जिसमें मैंने कहा था कि आज के बाद मैं कभी जो है इन पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि सायरा सत्तानी जी ने काफ़ी सारे सवाल जो लोग जानना चाहते थे, या मैंने मेरे जो दो वीडियोस बना करके जो सवाल उठाए थे उन सभी के जवाब उन्होंने जो है वो अपने वीडियो के थ्रू दे दिए हैं। तो वो मेरा जो वीडियो था ना, उस पर खुद सायरा सत्तानी जी ने कमेंट किया है और मैंने वो जो कमेंट है उसको पिन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जा करके प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो उन्होंने खुद ने मेरे वीडियो तो उन्होंने खुद ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है एंड उन्होंने मुझे थैंक्स ही लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसे गलत नहीं बोला था। बट स्टिल जो मैंने उनसे पहले जो दो वीडियोस डाले थे उस पर ना कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जिनके लिए मैंने वीडियोस डाले हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी कि देखिए, मैंने पहले जो दो वीडियोस बनाए थे उस वक्त तक मुझे जो है वो प्रॉपर्ली नहीं पता था कि बात क्या है, या उन लोगों ने भी पूरी तरह से जो बातें हैं वो सामने नहीं रखी थी। बट जब उन्होंने वो अपना वीडियो बनाया, उन्होंने चीज़ों को क्लेरिफाई किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने पहले जो दो वीडियोस बनाए थे तो वो मैंने आधी इन्फॉर्मेशन के बाद बना दिए थे जो मुझे नहीं बनाने चाहिए थे, और उस चीज़ के लिए भी मैंने जो है वो माफ़ी मांग ली थी कि वो चीज़ें मुझे उस वक्त जो मैंने सवाल उठाए थे वो शायद मुझे नहीं उठाने चाहिए थे। बट स्टिल अगर आप उस पर नेगेटिव कुछ भी बोल रहे हो, तो देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं वो ये अच्छी तरह जानते होंगे कि मैंने उन कमेंट्स को भी लाइक किया है और जो हर्ट होता है वो दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं नेगेटिविटी के बदले एक्टिविटी ही दूं तो कोई सेंस नहीं निकलता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो गलत बोल के आप अपनी ज़बान ख़राब कर रहे हो, उसके बदले में मैं भी कुछ गलत बोलूं तो मैं मेरी ज़बान ख़राब करना नहीं चाहती हूं। तो आपको जितना मर्ज़ी नेगेटिव कमेंट्स करना है आप कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी जो है वो नेगेटिवली रिप्लाई नहीं करूँगी।
मैं कोई रिप्लाई ही नहीं करूँगी सबसे पहली बात तो, ना मैं करती हूँ। अगर मुझे कभी कोई नेगेटिव कमेंट आता भी है तो मैं उसको लाइक करती हूँ और जो हार्ट है वो देती हूँ, लेकिन मैं कभी भी कोई कमेंट उसके ऊपर ना करती हूँ, ना मैंने किया है और ना मैं करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं या आप कर चुके हैं या आप करने वाले हैं, तो आप ये चीज़ आप थोड़ा सोच करके करिएगा, क्योंकि जब आप किसी को गलत बोलते हो तो आप अपनी ज़बान को ही गंदा करते हो। सामने वाले को कुछ भी नहीं होता है, सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो बिल्कुल भी मेरी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती हूँ किसी को कुछ गलत बोल के, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस यही दो जो चीज़ें थी वो मुझे आप कह सकते हो कि क्लियर करनी थी आज के इस वीडियो के थ्रू। तो अभी काफ़ी सारा जो काम है वो भी बाकी है, और मतलब इतना काम है ना कि सैटरडे भी टाइम नहीं मिला है वीडियो शूट करने का। आज संडे में ये जो वीडियो है मैं शूट कर रही हूँ, और ये आपको मिलेगा मंडे को, यानी मंडे नून में, वो ही टाइमिंग जो दोपहर को 12 या 12:15 तक आसपास ये व्लॉग्स जो मैं डेली ही अपलोड करती हूँ, तो ये व्लॉग आपको मंडे मिल जाएगा दोपहर में। तो अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, कहीं जाना भी है तो वो सारी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो हो सकता है कि मैं डेली जो है वो व्लॉग शूट ना कर पाऊँ या पॉसिबल ना हो पाए, तो मैं पहले ही वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। कोशिश तो यही करूँगी कि हर रोज़ कर पाऊँ, ताकि हर रोज़ की जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँच पाए, बट स्टिल अगर नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, कोशिश तो यही है कि वो जो चीज़ है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे। तो बस ये सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ आज करनी थी शेयर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।